चलिए तो इस क्वेश्चन में देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है, फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर बिटवीन 100 एंड 200 विच आर डिविजिबल बाय 12। देखिए 100 और 200 के बीच में आपको 12 से डिविजिबल नंबर का सम फाइंड करना है। तो चलिए दिखाते हैं कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, आपको सम का फॉर्मूला आना चाहिए। तो सम इक्वल टू कितना होता है, सम इक्वल टू होता है एन बाय टू इंटू में क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म भी फाइंड करना है और एन भी फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, आपको देखना 100 के बीच में कितने नंबर हैं जो 12 से डिविजिबल होंगे। तो 12 8 या कितना होना 96, तो टोटल कितने 8 टर्म्स हैं, टर्म्स हैं। ठीक है, तो कितना 4 बचा। अब 96 में करिए क्या, 12 को ऐड कर देंगे तो फर्स्ट टर्म कितना आ जाएगा आपका, फर्स्ट टर्म आ जाएगा कितना आपका 108 आ जाएगा। तो पहला टर्म आ गया आपका क्या, 108 आ गया, ये आ गया क्या फर्स्ट टर्म। इसी तरीके से 200, देखिए 200 को करेंगे तो कितना होगा, 12 12 वन जा 12 जा 8 जा 0 जा और 76 जा, तो कितना 72 जा, तो कितना आ गया 8 आ गया, 8 बचा। तो अब क्या करना है आपको, 8 करना है माइनस, तो कितना आ जाएगा इससे 200 में से 192 आ गया। तो 192 क्या आ गया आपका, लास्ट टर्म आ गया। अब देखिए ये 16 टर्म है 200 तक के और ये है 1 से 100 तक के में 8 टर्म। तो आपकी एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 में से करिए माइनस 8 को, तो क्या है क्या आएगा आपका, 8 आएगा। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। क्यों आ गई, क्योंकि अपन को क्या है 100 से लेके 200 के बीच में टर्म निकालने थे। ये थे 100 तक के टर्म, ठीक है, ये थे कितने 200 तक के टर्म। तो आपको बीच में से निकालने थे, तो कितना एन की वैल्यू आ गई। अब कुछ नहीं, ये सब वैल्यू करिए, इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। तो फॉर्मूले में पुट करते हैं, सम कितना जाएगा, सम एन की वैल्यू कितनी है 8 है, 8 बाय 2 आ जाएगी। फर्स्ट टर्म कितना आ गया, 108 आ गया, ठीक है, और लास्ट टर्म कितना आ गया, 192 आ गया। इन सबको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4, और 4 में से करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 300। 3 इसको ऐड मतलब सॉल्व करने के बाद 3 4 जाए 12, तो 1200 कितना आ गया इसका आंसर आ गया। ओके दोस्तों, अगर कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, बाकी कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए इस क्वेश्चन में। ओके दोस्तों।